अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल किचन रेसिपीज। तो आज मैं एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो बलूचिस्तान का नमकीन रोस्ट बनाएंगे, तो दुम्बे का तो बनाना भी बहुत ही आसान है, तो बहुत ही मज़े का बनता है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दुम्बे का नमकीन रोस्ट बनाने के लिए हमने 1.5 किलो इस तरह से दुम्बा, देखें दुम्बे का इस तरह गोश्त लिया है, मिक्स है, इसमें चांपे भी हैं, भी सारा मिक्स है। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें ये डालेंगे गोश्त। तो अभी हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। एक अदद इस तरह साबुत प्याज डाल देंगे। एक चम्मच भरकर नमक ही डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें। ये ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहे तो डालें, नहीं तो ना डालें। और एक दफ़ा इस तरह मिक्स कर लेंगे इसको और इसको कवर करके सीटी लगा देंगे 20 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, 20 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं ज़रा। माशाल्लाह देखें, जो हमने प्याज डाला था वो भी इसमें बिल्कुल जो है ना मलाई की तरह जो है ना ग्रेवी बन गई इसकी। ये देखें चक्की का घी भी निकले है, तो ये प्याज भी बिल्कुल, इस प्याज का भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ चुका है। तो इसको 2 से 3 मिनट इसकी जो है भुनाई करेंगे, फिर इसको डिश आउट आपके सामने करते हैं। तो 2 से 3 मिनट हमने इसकी भुनाई की है, तो अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और आपको डिश आउट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, माशाल्लाह देखें हमारा जो है ना बलूचिस्तान का रोस्ट जो है तैयार है। तो माशाल्लाह देखें कितना बेहतरीन नमकीन गोश्त बन के तैयार हो चुका है। तो अभी हम आपको ये तोड़ के भी बताते हैं। देखें माशाल्लाह मलाई की तरह, ये देखें कितना बेहतरीन ये मलाई की तरह ये गल चुका है, ये देखें। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।